आसपास होते थे, यदि कुछ खाना हमारा बच जाता है तो उसमें जरूर अर्पित करें। स्वच्छता के मामले में इंदौर हैट्रिक लगा चुका है और अब चौका लगाने की तैयारी में है। स्वच्छता को लेकर इंदौर प्रशासन सहित आम जन भी बहुत जागरूक हैं और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम ने ग्रेटर कैलाश रोड के रूप में एक ऐसी सड़क तैयार की है जिस पर बैठकर खाना खाया जा सकता है और आज 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ ऐसा हुआ भी। इंदौर के आदर्श मार्ग पर टिफिन पार्टी का आयोजन किया गया। इस टिफिन पार्टी में अपने घरों से टिफिन लेकर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और इस आदर्श सड़क पर बैठकर भोजन किया। इस टिफिन पार्टी में समाज के गणमान्य नागरिक, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, समाज सेवी संस्थाएं, व्यापारी, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सभी पहुंचे, जिनमें भाजपा सांसद शंकर लालवानी और महापौर मालिनी गौड़ सहित क्षेत्रीय पार्षद और MIC सदस्य दिलीप शर्मा भी शामिल हुए। उपस्थित हुए सभी लोगों ने बड़े ही आराम से साफ सुथरे रोड पर टिफिन पार्टी का आनंद लिया। मौजूदा लोगों ने भाजपा सांसद शंकर लालवानी और महापौर मालिनी गौड़ को अपने अपने टिफिनों से खाना भी खिलाया। वहीं मौजूद लोगों ने इंदौर चौका लगाएगा के नारे भी लगाए। उपस्थित जन समुदाय ने बड़े ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ इस टिफिन पार्टी का आनंद लिया और इंदौर नगर निगम द्वारा किए गए इस सराहनीय प्रयास को सफल बनाया। नगर निगम ने इस रोड को सर्व सुविधा युक्त बनाया है। इस सड़क पर रंग बिरंगी लाइट के साथ फव्वारे, डिवाइडर, फुटपाथ, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए स्टेनलेस स्टील से बने हुए सेंसरलेस डस्टबिन लगाए गए हैं। वहीं साइकिल सवारों के लिए साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है। इन सारी सुविधाओं से युक्त ये ऐसी पहली आदर्श सड़क है जिस पर बैठकर इंदौरियों ने खाना खाया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।